अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर डिज़ाइनिंग वीडियो। आज आप मेरी वीडियो में देखेंगे प्लेन, सिंपल, एलिगेंट एंड वन कलर अबाया डिज़ाइन। ये 40+ अबाया डिज़ाइन है जो मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एलिगेंट डिज़ाइन है, होपफुली आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो में आप जितने भी डिज़ाइन देख रहे हैं वो सारे प्लेन अबाया के डिज़ाइन हैं और लूज़ अबाया के डिज़ाइन हैं। जो फैंसी अबाया हैं और जो स्किन फिटिंग अबाया हैं वो भी आज काफ़ी ज़्यादा मार्केट में चल रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एलिगेंट और स्टाइलिश लगते हैं वो लूज़ अबाया हैं। उसकी वजह यह है कि अबाया जो होते हैं उसका मकसद यही होता है कि उससे हमारा जो जिस्म है वो नुमाया ना हो, हम किसी की निगाहों का मरकज़ ना बने, और अगर हम मार्केट वगैरह या घर से बाहर कहीं ऑफिस गोइंग हैं या स्कूल गोइंग है या कॉलेज गोइंग है तो हमारा जो ड्रेस है वो बिल्कुल किसी के सामने शो ना हो। तो हम एक तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो लूज़ अबाया होता है। लूज़ अबाया में बिल्कुल भी हमारा जिस्म नुमाया नहीं होता है और जो हमारे अबाया का मकसद है वो भी पूरा हो जाता है। कलर्स इसमें डिफरेंट डिफरेंट आजकल जो हैं वो चल रहे हैं, लाइट कलर भी हैं, डार्क कलर भी हैं। जो भी आपको पसंद हो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग अबाया बनवा सकती हैं। वैसे बाज़ार में तो ये सिले सिलाए भी मिलते हैं, आप इनको ऑनलाइन भी मंगवा सकती हैं, लेकिन सबसे बेस्ट यही होता है कि हम खुद जाके बाज़ार अपनी पसंद का, अपने साइज़ का जो है वो अबाया पसंद करके ले लें। फैंसी अबाया जो है वो बाहर की कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। कुछ मुल्कों में तो अबाया को जो लड़कियां हैं वो एज अ ड्रेस भी यूज़ करती हैं, और इसको कहा भी मुस्लिम ड्रेस जाता है। तो लड़कियां इसको हर टाइम घर में भी जो है वो पहनती हैं, और बाहर भी अगर उन्हें जाना हो तो वो फैंसी अबाया पसंद करती हैं और घर में वो सिंपल अबाया पहनती हैं। लेकिन हम जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ पे तो हम घर से बाहर जाते हुए भी अबाया यूज़ करते हैं, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप लूज़ अबाया को सिलेक्ट करें और प्लेन अबाया को सिलेक्ट करें। उसके ऊपर बिल्कुल इस तरह का काम ना हो कि आपने अबाया पहना है कि हमारा जो जिस्म है वो नुमाया ना हो, लेकिन आपने उसको इतना फैंसी बनवा लिया है, गले पे भी, बाजुओं पे भी और दामन पे भी इतना डिज़ाइन बनवा लिया है कि फिर आप जहाँ जाएंगे लोग आपको मुड़ मुड़ के देखेंगे कि जी इतना फैंसी अबाया पहना है या अच्छा पहना है या बुरा पहना है। तो इस तरह के कमेंट से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इसको बिल्कुल प्लेन तरीके का लें और इसके ऊपर बिल्कुल किसी किस्म की कोई डिज़ाइनिंग ना करें। साथ इसके लड़कियों ने कंट्रास्ट स्कार्फ़ भी लिए हुए हैं और स्टोल भी लिए हुए हैं। अगर आपको इसके साथ सेम कलर का स्टोल पसंद है तो आप उसके साथ वैसा ले सकती हैं, और अगर आपको इसके साथ कंट्रास्ट पसंद है तो कंट्रास्ट भी अच्छे लगते हैं। अगर आप पूरा हिजाब लेती हैं तो फिर तो आपको ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप नकाब भी करना चाहती हैं तो उसके लिए फिर आपको अलहदा से कपड़े का नकाब बनवा के तो फिर जो उसके स्टोल के साथ यूज़ करना पड़ता है। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप स्कार्फ का ही नकाब कर लें, इसी तरीके से उसका करें कि वो जो है वो एलिगेंट लगे और बिल्कुल भी आपका जो है वो एक न्यू लुक जो है वो सामने आए। तो ये कुछ डिज़ाइन हैं आप लोगों के लिए। अगर आप अपना सिलवाना चाहती हैं अबाया तो आप जौन सा भी आप सीज़न चल रहा है या मौसम चल रहा है आप उसके हिसाब से कपड़ा ले सकती हैं, लेकिन जो सिल्क का अबाया होता है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है, क्योंकि लॉन कॉटन के अबाए जो होते हैं वो तो जब भी आप पहनेंगे तो वो आपके जिस्म के साथ चिपक जाएंगे और आपको बहुत उलझन होगी उसके साथ। जो सिल्क का कपड़ा होता है वो हमारे जिस्म के साथ चिपकता नहीं है, दूर दूर रहता है, और गर्मियों में अगर जो फैब्रिक है जर्सी फैब्रिक है उसका आप अबाया सिलवाएंगी तो अबाया जाते हुए आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी धूप में भी, और वैसे भी उस कपड़े में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो आप उसका ना सिलवाएं, आप सिल्क का अबाया सिलवा लें जो गर्मियों में भी चलेगा और सर्दियों में भी चलेगा। तो दोनों फैब्रिक जो हैं वो बेस्ट हैं, आप उनमें जो जो उनसा भी आपको सूटेबल आप उसमें सिलवा लें। लेसेस भी कुछ लोग अबाया के ऊपर लगाते हैं और काम भी करवा लेते हैं सिर्फ बाजुओं के ऊपर, ज़्यादा दामन वगैरह गले वगैरह पे नहीं करवाते, लेकिन बाजुओं पे बहुत ज़्यादा लड़कियाँ जो है वो काम वगैरह पसंद करती हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि अगर आप अबाए को इतना ज़्यादा फैंसी कर लेंगी तो फिर उसको पहनने का मकसद ही नहीं रहेगा कि आपने उसको इतना फैंसी कर लिया है। इसलिए मैंने जितने भी डिज़ाइन आप लोगों के लिए डाउनलोड किए हैं वो सारे सिंपल और प्लेन अबाया के हैं,
और इस तरीके से बहुत ही एलिगेंट लगते हैं, बहुत ही ग्रेसफुल लगता है इंसान। तो ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर किसी भी किस्म का जो है वो डिज़ाइनिंग करने की। बने बनाए अबाये बाज़ार में मिलते हैं और हम तो शुरू से ही ट्रेंड ऐसे चला हुआ है, ब्लैक कलर की अबाये ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, लेकिन अब जो है ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब आप किसी भी कलर का, वाइट, ब्लू, सिंपल किसी भी कलर का जो है वो बनवा लें तो वो अच्छा लगेगा। तो ये आप लोगों के लिए कुछ डिज़ाइंस हैं, अगर तो आप खुद बनवाना चाहती हैं तो भी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लें। और अभी ये बटन्स वगैरह लगवाए हुए हैं और फ्रेल्स लगवा के तो अबाया को रेडी किया हुआ है। और अगर आप प्लेन अबाया पसंद करती हैं सिंपल, तो वैसे इट इज़ बाज़ार से मिल जाएगा, आप वहाँ से लेकर अपनी पसंद के अकॉर्डिंग उसको पहन सकती हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।